गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो नाउ टुडे आई एम ऑल्सो फाइन एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लव मैनुअल. यस, डिफरेंट है ये, मैं कुछ मैथ्स नहीं बताने जा रही, बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथ्स. ये मैथ्स के अंतर्गत ही आता है और इसमें एक्टिविटी दी हुई होती है जो कि बेस्ड ऑन चैप्टर से रिलेटेड होती है, बेस्ट होती है चैप्टर पे, जो कि मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी और आप इसको देखेंगे और ख़ुद से आप अपने लैब मैनुअल बुक में करेंगे. सो सी, दिस इज लैब मैनुअल, दिस इज मैथमेटिक्स एंड सो मेनी एक्टिविटीज़ इन दिस बुक ऑफ क्लास 7. ये जो मैथमेटिक्स लैब मैनुअल बुक है वो 7 क्लास का है. ओके, मीन्स जो भी 7 क्लास में है वो आप इसमें देखेंगे एंड कंटेंट्स हैव गिवन यू. नोट अ सिंगल 1 to 17 एक्टिविटीज़ हैव गिवन, वन मोर इन स्टैटिस्टिक्स 18 नंबर. बट टूडे आई विल टेल ओनली 4 क्वेश्चन. वट एवर इन 4 आई विल टेल इन दिस क्लास, देन आफ्टर दैट आई विल टेल 5 or 6. सो आई होप यू ऑल आर लुकिंग दिस, आप देख रहे हैं ये लैब मैनुअल मैथमेटिक्स बुक है. ठीक है, सो ये मैंने आपको बुक के बारे में बताया कि ये लैब मैनुअल बुक है मैथ्स का और वो 7 क्लास की है. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू शो यू, मैं आपको कुछ पेपर्स दिखा रही हूँ, कलर पेपर जो आपको ज़रूरी होगी इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल में. ये देखिए येलो कलर की है, लाइट येलो, देन पिंक, लाइट पिंक है, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ये पेपर्स है, कलर पेपर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, देन यू नीड, आपको ज़रूरी है हाइलाइटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने हाइलाइटर भी रखा है. देन प्रोटेक्टर, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही आपको एंगल बनाने के लिए. दिस इज़ स्केल, ये भी ज़रूरी है. शार्पनर इरेजर तो आपको चाहिए ही. देन पेंसिल शुड बी नीडेड, बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए. देन स्केच पेन, ये सब मैंने रखा है, कलर स्केच पेन है, ब्लैक वाली भी है, पेंसिल भी है, और एक सीजर भी है. और ये सीजर मीन्स इसके भी ज़रूरत पड़ेगी आपको. सो मैंने ये मटेरियल्स, रिक्वायर्ड मटेरियल्स के बारे में बताया. सीजर है आपकी, ये तो वाइटनर है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मे बी कभी आपको कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको इरेज करके इसे इरेज कर सकते हैं. ठीक है, सो मैंने आपको बताया ये कटर है, पेन, कंपास, ये डिवाइडर है, पेन पेंसिल, ये मैंने आपको सारे के बारे में बता दिया है क्या है. ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द एक्टिविटी नंबर 4. अब 4 के बारे में बताने जा रही, वो आप अच्छे से देखेंगे वो क्या करना है और क्या करना है उसमें, इस एक्टिविटी में क्या क्या करना है. तो आप देखेंगे कि यूनिट 2 ज्योमेट्री में मैं बताऊँगी, आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये बताऊंगी. और वन मोर क्वेश्चंस आई विल टेल, आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो आप देखेंगे कि ये है कहाँ पर, जो कि मैं दिखाऊंगी. नाउ सी, ये मैं बता रही थी कि आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. आई हैव रिटन हियर एक्टिविटी नंबर 4. ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, बट एक्टिविटी कौन सा है, 4 नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख भी दिया है. ठीक है, और ये 4 नंबर का ए है. ओके, ए ऑफ 4 नंबर, राइट. देन डेट ऑफ एक्टिविटी, किस दिन आप बना रहे हैं उस दिन का डेट आप डालेंगे. और रिमार्क्स तो ये टीचर ही देंगे और यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर होगा. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो जो आपको एक्टिविटी बनाना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे.
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ 4 नंबर 5 नंबर लिखे, ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द एक्टिविटी सब लिख देना है, बट मैंने पूरा सेंटेंस में लिख दिया है जो भी एक्टिविटी है, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि टुडे आई विल टेल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये दो मैं आज बताऊंगी, ठीक है। पर मैंने ये सारे लिख दिए जो जो मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज दिस, क्या है ये? तो ये हमारा है आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको बताऊंगी, ये है, यही वाली है जो मैं आपको बताने जा रही। ठीक है, देन उसके बाद इसके बारे में हम सोचेंगे, कुछ नॉलेज है रिक्वायर्ड्स है, कंसेप्चुअल नॉलेज रिक्वायर्ड, कुछ तो इसके बारे में आप जानेंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, या किसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, किसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है नहीं है। सो यू विल मेंशन हियर, आप यहाँ पे देंगे क्या जानकारी उसके बारे में आपको है, व्हाट एवर यू नो। When the sum of measurement of a pair of angles, pair मतलब अगर two angles का sum is 90, अगर 90 degree है, then those angles are known as complementary angles. There are two angles and sum of them 90 degree भी से complementary angles. देखिए मैंने यहाँ पे ये 90 का angle बनाया है, ठीक है। ये क्या बनाया, मैंने 90 degree का angle बनाया, but मैं इसको डिवाइड करूँगी, मतलब उसके बाद आपको बताती हूँ बना करके यहाँ पे। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या ज़रूरत है इसमें, ये मैंने 90 का बनाया, अभी स्टेप वन मीन्स वन नंबर, हियर टू नंबर एंड हियर थ्री नंबर, ठीक है। अभी इसमें कुछ बाकी है जो मैं करूँगी, अभी लेफ्ट रिमेन है वाइट शीट, आपको वाइट शीट की नीड होगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर वाइट शीट आपका है, ठीक है। और ऐसा पेपर आपके पास, मैंने पहले ही बता दिया है, कलर पेपर यू हैव टू यूज़, ऐसे आपके पास ये देखिए वाइट शीट इस तरह की पेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई हैव रिटन हियर वाइट शीट, आई स्केल, वो एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, अ पेंसिल, देन यू नीड पेंसिल, आपको पेंसिल की ज़रूरत होगी, देन प्रोटेक्टर, ये भी प्रोटेक्टर मैंने यहाँ पर रखा है, स्केच पेन चाहिए वो भी है, फिर आपको चाहिए फेविस्टिक, ठीक है, ये है आपका फेविस्टिक, ओके। देन मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी इसमें आवश्यकता है रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिए हैं, पेंसिल चाहिए, फेविस्टिक चाहिए, स्केच पेन चाहिए, प्रोट्रैक्टर चाहिए, स्केल, सीजर, क्या चाहिए, पेयर ऑफ सीजर्स, ये भी मैंने रख दिया है, और ये वाइट पेपर चाहिए तो वाइट पेपर ही मैंने बताया, कलर पेपर की नीड होगी तो कलर पेपर भी यहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिए ये कलर पेपर की नीड होगी, आपको ज़रूरत होगी, वो मैं भी करके दिखाऊंगी, तो आप उसको देखेंगे कि कौन कौन से पेपर इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये पेपर की बात हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे बनाई हूँ, जैसे कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, बट आफ्टर एडिंग बोथ वी गेट 90 डिग्री बी से, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पे भी मैं शो कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ कि ये जो है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 है और ये 50 डिग्री है, बट आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग 90 मीन्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। वन मोर आई एम गोइंग टू शो, एक और दिखा रही मैं यहाँ पे। अब आप पूछेंगे कि मैं क्यों दिखा रही, या सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही, ठीक है, तो मैं बता रही कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको कुछ तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, जो आप एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी आप यहाँ पे प्रैक्टिकली बनाने जा रहे हैं, शो करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। सी देखिए,
ये 20 डिग्री है और ये है मेरा 70 डिग्री, ठीक है। आप बोलेंगे कैसे है, इसलिए है कि मैंने ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी पहले बना लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके उसको डिवाइड किया है 20-70, मीन्स ऐड करके 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, और जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स था वो मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट भी मैंने बता दिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, वो आप देखेंगे अच्छे से, ये आपको कर लेना है, ये आपको इस पेज में कर लेना है। यहाँ पे नंबर लिख देना है, एक्टिविटी नंबर एंड वॉट एवर द डेट यू हैव टू मेंशन, वो आपको डेट भी मेंशन करना है, वो आप डेट मेंशन कर लेंगे जो भी डेट है। सपोज़ टुडे इज़ 24th, आज 24th मई है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। नाउ टर्निंग द पेज, मैं पेज को टर्न की। अब आप यहाँ देखेंगे प्रोसीड्यूर में क्या है, ठीक है, प्रोसीड्यूर में हम क्या क्या करेंगे। सो सी प्रोसीजर में हम लोग क्या क्या करने वाले वो अब देखेंगे। जो हम लोग को जो एक्टिविटी बनानी थी वो मैंने लिख दिया। उसके बाद स्टेप वन में मैं क्या करूँगी, स्टेप टू, और लास्ट में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा कि मैंने करने के बाद मुझे क्या मिला, मैंने क्या देखा, और लास्ट में हम फिर रिजल्ट लिखेंगे। वट एवर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी राइट एंड वी हाईलाइटेड, उसको हाईलाइट कर दूँगी, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल नॉलेज रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर है प्रोसीजर, देन ऑब्जर्वेशंस एंड देन रिजल्ट, ओके। देन अब मैं यहाँ पे कट और पेस्ट करूँगी, और अब आप इसको अच्छे से देखेंगे कि इस पेपर कलर पेपर को कैसे कट करना है और कैसे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से पेपर को कट कर लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कलर पेपर को मैंने कट किया है, ठीक है। तो इस तरह से पेपर को कट कर लेंगे, मींस यहाँ पे बी ड्रो टू एंगल्स, यहाँ पे दो एंगल्स मैं बनाऊंगी, एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर एंड एम एन के, एम एन के है, मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया है, इसको मैं इरेज कर दे रही, ठीक है, एम एन, ठीक है, एम एन के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये वाइटनर रख लेंगे, अगर कभी कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको इरेज कर देंगे, ठीक है, वाइटनर से आप उसको इरेज कर देंगे, क्योंकि कभी कभी नीड होती है, भाई मिस्टेक कुछ हो जाता है तब उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इरेज कर दिया, और मैं आपको बता रही कि इस तरह से आप टू एंगल्स कट कर लेंगे, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। करने के बाद इसी तरह से और भी टू एंगल्स को कट करेंगे, बट ध्यान रहे आप ऐसे एंगल्स को कट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो आप एंगल डालेंगे वो 90 से दोनों ऐड करने के बाद 90 से लेस हो जाए या मोर हो जाए, ठीक है। लेस यहाँ पे मैंने मोर बनाया, और यहाँ पे एग्जैक्ट दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आए, और ये दोनों इक्वल इक्वल बनाएंगे, मीन्स ये दोनों जो कलर पेपर वाला जो रहेगा कटिंग रहेगी वो दोनों 45 डिग्री की एंगल्स रहेगी। अगर आपको एंगल बनाना नहीं आता तो मैं आपको इस पर बता सकती हूँ कैसे बनाएंगे एंगल को, ठीक है, मैं पेंसिल से बता रही, एक मिनट, बता रही पेंसिल से कि कैसे उसको बनाएंगे, और प्रोटेक्टर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो वी नीड स्केल ऑल्सो, अब हमें स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो स्केल देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे एंगल। फर्स्ट हम लोग ऐसे यहाँ पे लाइन को एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाली जो आप प्रोटेक्टर का पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट जस्ट यहाँ पे रखूँगी, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के पास ये वाला डॉट को जस्ट इसके ऊपर रखूँगी, और ये लाइनिंग शुड बी ऑन इट, इसके ऊपर ये वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 10, 40, 30, 40, और ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का मैं एंगल बना लूँगी, बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक और इसी में भी 45 बना सकते हैं, या फिर ग्रीन पेपर में आप बना लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। देखिए मैं यहीं से बना दूँगी आपको,
45 डिग्री। आपको एंगल बनाने के लिए भी मैं बताऊंगी, अभी मैं एंगल बनाने के लिए नहीं बता रही, बट आपको इसमें ज़रूरत है तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप बना लेंगे 45 डिग्री एंगल और ये है, और आप यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये आपका 45 डिग्री बना यहाँ पे, और ये आपका ऑलरेडी 45 डिग्री है। ये किस में, ये मिडिल वाले में आप पेस्ट करेंगे, मैं कट करके भी दिखा रही, आप इसको ऐसे आराम से कट करेंगे, तो एक ये हो गया आपका 45 डिग्री और आपका एक ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कट करके पेस्ट कर दी हूँ, तो आप इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। तो ये जो 45 डिग्री का है आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे, और एक और जो इससे 45 करेंगे इसमें यहाँ पे करेंगे, तो एग्जैक्ट ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। वन तो आपको ऐसा होगा कि दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री नहीं होंगे, एक जो होगा वो ऐड करने के बाद दोनों इक्वल इक्वल रहेगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और एक ऐसा होगा जो कि दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री से अब हो जाएंगे, ठीक है। बी के थ्री केसेस, यहाँ पे हम लोग को थ्री केसेस का सामना करना पड़ेगा, मतलब थ्री केसेस उभर के आएगी, वो हम लोग इसको देखेंगे, मीन्स ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स ऑब्जर्वेशन में मैंने लिखा भी है आपको यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिखा है, इन केस वन नंबर पी क्यू आर प्लस एम एन के, अगर 90 बड़ा हो गया ये दोनों से, ये वाला, ठीक है, ये दोनों ऐड करने के बाद भी 90 अगर एबव हो जा रही, मतलब ये दोनों स्मॉल रह गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्यूट एंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल ये सप्लीमेंट्री में नहीं आता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐड करने के बाद 90 डिग्री होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, जो कि 90 डिग्री बिगर हो जा रही, बट ये एंगल जो है वो स्मॉल रह जा रहा है दोनों को ऐड करने के बाद, तो ये अक्यूट एंगल हो जा रही बिलो द 90, ओके। अब एक केस आती है यहाँ पे कि दोनों को ऐड करने के बाद, मीन्स दोनों जो है वो 45 और 45 का है, ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ गई है, मतलब ये केस जो है वो फॉलो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये आता है कि पी क्यू आर प्लस एम एन के ऐड करने के बाद मोर हो जा रहा है, देखिए 90 यही है और ये इतना हो जा रहा है, मतलब 90 से ये मोर हो जा रहा, तो ये जो है ऑप्टियोज एंगल हो जा रही, मतलब आफ्टर एडिंग बोथ वी आर गेटिंग ऑप्टियोज एंगल, मीन्स दिस आल्सो नॉट फॉलोड द कम्प्लीमेंट्री, ये भी कम्प्लीमेंट्री नहीं है और ये भी कम्प्लीमेंट्री नहीं है, ओनली ये वाला जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। मैंने ऑब्जर्व किया वन नंबर टू थ्री से, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो है अक्यूट एंगल है, आफ्टर एडिंग बोथ वी आर गेटिंग द लेस दैन 90 एंड हीयर मोर दैन 90, बट हीयर एग्जैक्ट 90, सो दिस फॉलो, दिस फिगर इज फॉलो और शोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अब रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, नाउ वी गेट हीयर आफ्टर एडिंग टू एंगल्स वी गेट 90 बी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल अब मेरा रेडी हो गया। तो अब इस तरह से ये आप कॉम्प्लीमेंट्री का शो करेंगे इस तरह से बना के, इससे भी बेटर तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली यू मे टेक ग्रीन और ऑरेंज, यू मे टेक ग्रीन और पिंक ले सकते हैं, फिर पिंक और ब्लू ले सकते हैं, रेड येलो ले सकते हैं, एज यू विश, एज यू विश यू मे टेक द कलर एंड यू मे पेस्ट। आप इस तरह का 6 पेपर्स अलग से, और ये मीन्स 2, 4, 6, 8 मैंने कट किया है, ठीक है, और इसको मैंने पेस्ट किया, बट ये थोड़ा सा केयरफुल कट करेंगे कि अगर यही वाला सेम अगर आप कट कर लेंगे तो सेम बैठ जाएगा, बल्कि आपका होना चाहिए यहाँ पे 90 से दोनों को ऐड करने पे बिलो, यहाँ पे एग्जैक्ट, ये दोनों बिल्कुल इक्वल इक्वल कट करेंगे तो ये फॉलो करेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री, और ये थोड़ा सा ये बिगर लेंगे ताकि ये ऑब्टूज को फॉलो करें, मतलब आपको दिखाए कि थ्री केसेस वी विल गेट, मिलेगा हम लोग को थ्री केसेस मिलेगी जिसमें वन जो है वो फॉलो करेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सो दैट्स नाउ आई एम गोइंग टू टेल नेक्स्ट, अब मैं बताऊंगी सप्लीमेंट्री के बारे में। नाउ सी
सो आई हैव सेड बिफोर, मैं आप इसमें बताऊंगी टू एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी फोर ही है बट उसमें ए और बी करके दिया हुआ है। तो बी में क्या है, बी में जो है ऑब्जेक्टिव आपका आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेप्चुअल नॉलेज रिक्वायर्ड व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 देन दोज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज मीन्स नॉलेज चाहिए। ओके, तो कंसेप्चुअल नॉलेज रिक्वायर्ड में क्या है कि व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स इज 180, अगर पेयर में है टू एंगल्स दोनों का सम 180 आता है देन दोज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री ऑफ 45 इज 35, अगर 135 अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो 45 का सप्लीमेंट्री क्या है 135, अगर पूछा जाए 135 का क्या है तो 45। फिर है 45 इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 135। ओके, देखिए यहाँ पे 135 और 45 है, दोनों को ऐड करने के बाद 180 मिलेगा मीन सप्लीमेंट्री। ये भी सप्लीमेंट्री 90+90 180, और 32 और 148 ये भी 180 मीन्स वी आर गेटिंग 180। 90 इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 90, 32 इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 148, ये दोनों को ऐड करने के बाद 180, और ये दोनों को भी ऐड करने के बाद 180 मीन्स 180 आ रहा है, मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वी ड्रॉ टू एंगल्स ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर। दो एंगल्स ड्रॉ करूँगी मैं यहाँ पे, ए बी सी एक एंगल मैंने कट करके पेस्ट किया है और यहाँ पे मैंने पी क्यू आर एक पेस्ट किया है। ठीक, जस्ट आई हैव टेकन टू एंगल्स एंड देन कट आउट दिस विथ द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर्स, मैंने उन दोनों को कट किया। ये दोनों कट करने के बाद मैंने स्टेप वाइज वन बाई वन मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, मतलब मैंने 8 पीसेस कट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कट करने के बाद जब मैंने पेस्ट किया एंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो यहाँ पे आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग द मोर देन 180, मतलब 180 से देखिए 180 यहीं तक है, एन तक है, एन ओ एम एम ओ एन यहीं तक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बढ़ जा रही है, मतलब ये जो कटिंग वाली पीस है ना वो बढ़ रहा है, मतलब 180 से मोर हो जा रहा है। दिस इज़ नॉट फॉलो द सप्लीमेंट्री को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए पेस्ट करने के बाद ये दोनों मुझे 180 एग्जैक्ट मिल रहा। ठीक है, आफ्टर पेस्टिंग बोथ कटिंग पेपर 180 मिल रहा, मतलब ये फॉलो कर रहा है सप्लीमेंट्री का। और ये जो है लेस देन 180, देखिए इतना ये ब्लैंक छूट जा रहा, मतलब लेस देन 180 ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो कर रहा है सप्लीमेंट्री डिग्री का एंगल का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता रही ऑब्जर्वेशंस, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऑब्जर्व क्या किया है। इनकेस ए पी क्यू पी क्यू आर प्लस एंगल ए बी सी जो है 180 से लेस हो गया है। ठीक है, लेस हो गया है तो मतलब ये क्या है, जब लेस रहेगा तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा है 180, मतलब सप्लीमेंट्री वाला फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, फिर है यहाँ पे पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर एंगल ए बी सी 180 हो जा रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। मेरा ये था ही, मतलब शर्त यही थी कि 180 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 180 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर में केस में क्या है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए बी सी दोनों ऐड करने के बाद मोर हो रहा, 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मेरा यहीं पे 180 होता है ना, बट ये इतना ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट में रिजल्ट लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या रिजल्ट मिला। इन केस बी में जो केस मुझे मिली है, और बी कैन से टू नंबर, ये टू नंबर जो है ये देखिए हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे मैंने नंबर दिया, यहाँ पे ए बी सी लिखा है। तो जो बी में हमें मिला है द सम ऑफ एंगल्स पी क्यू आर एंड एंगल ए बी सी इज 180 डिग्री दस दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये मैंने आपको सप्लीमेंट्री बताया और ये मैंने कम्प्लीमेंट्री बताया। सम ऑफ टू एंगल्स 90 कम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये सम ऑफ टू एंगल्स वी गेट 180
सप्लीमेंट्री। तो ये मैंने 4 नंबर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कौन से डेट में आपने बनाया है, ठीक है। इंडेक्स पेज को फिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, देन यू फील इट, इसको फील करना है, बिकॉज टीचर विल गिव द रिमार्क्स हियर, यहीं पे रिमार्क्स देंगे और उनकी साइन भी यहीं पे होगी। देन ईच एंड एवरी थिंग यू मैंसन, इवन आप ये भी कर सकते हो कि ये आप कौन से पेज नंबर बनाए हो, 1 नंबर देन 2 नंबर, तो जो ये आप कंप्लीमेंट्री बनाए हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेज नंबर 1, 2, 2, 1 और 2 में है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये 3rd नंबर पेज है, ऐसे देंगे, ठीक है, 3rd नंबर, और ये 4 नंबर, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 3 और 4। तो आप ऐसे मेंशन करेंगे और खूबसूरत से ये बना के पेस्ट करेंगे। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, बट मैंने ये कट नहीं किया था, ये ऑलरेडी मैं कट कर ली, बिकॉज इट इज़ टेकिंग द टाइम, ये टाइम ले रहा, दैट्स वाई यू मे कट, लेकिन आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के बी केयरफुल, यू मे कट द कलर पेपर एंड यू पेस्ट। बट बेटा इतने अच्छे से पेस्ट करेंगे फ्रेंड कि ये समझ में नहीं आए, और बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा केयरफुल होकर के ये कट करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाली बताऊंगी, वो आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, ये वाली, टू वेरीफाई दैट इफ़ 2 लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट देन इस पेयर ऑफ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल बाई पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग, ये बताऊँगी, और फिर आपको 6th नंबर बताऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और नेक्स्ट की क्लास में आप समझेंगे, अभी तो फ़िलहाल आप ये समझेंगे और इसको आप आराम से अपने लैब मैनुअल बुक में करेंगे, कॉपी में उसमें करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।